बिकॉज एंटरटेनमेंट के बिना जिंदगी बहुत अधूरी है। ओके दोस्तों, मैं खाना खाने के बाद आती हूं। सो मैंने लिए हैं मेरे लिए कुछ कलर्स। अब मुझे याद आया है कि जो मैं कलर चाहती थी वो रेड से नहीं बनता, वो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मेरे आउटफिट को फिनिश एंड स्टार्ट एंड फिनिश, सारा कुछ ही इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी पर मुझे लगता है कि आपको इसको देख के मज़ा आएगा। पर फिर भी जो बिहाइंड द सीन्स हैं या आलतू फालतू हैं वो मैं किसी और व्लॉग में अपलोड कर दूँ। सो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मेरे आउटफिट को पेंट, मोस्टली फ्री हैंड पेंट। सो मैं पूरे आउटफिट को तैयार करने वाली हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो के खत्म होने पर कि आपको ये कैसी लगी। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो विदाउट फर्दर यू जल्दी से वीडियो से शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लंबी है। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फैब्रिक को कट करने से क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे आउटफिट को पेंट करूँ उससे पहले मैं सिल लूँ। सो सारे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा पीस बनाना है। मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक किस्म का आउटफिट नहीं बनाऊंगी, सिंपल बनाने वाली हूँ क्योंकि पेंट करने में बहुत मेहनत जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हमारे आउटफिट पे। तो स्टार्ट करते हैं कट करने से। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यहाँ पे शायद लाइट बहुत ज़्यादा येलो किस्म की होगी पर चिंता ना करें, हम ज़्यादा हिम्मत सिंह है तो ज़्यादा समय हम यहाँ पे स्पेंड नहीं करेंगे। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम हमारे पेंटिंग वाले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि पेंट करने से पहले मैं मेरे सूट को स्टिच करना चाहती हूँ तो आज मैं बॉटम बनाने वाली हूँ, तो शायद शाम तक मैं टॉप भी सिल लूँगी, देन कल पेंटिंग का काम। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो। और शुरुआत करते हैं सिलाई के साथ। पर मुझे एंटरटेनमेंट भी चाहिए बिकॉज एंटरटेनमेंट के बिना ज़िंदगी बहुत अधूरी है। और या मैं कुछ एंटरटेनमेंट के लिए लेके आती हूँ एंड देन हम शुरू करेंगे स्टिचिंग का प्रोसेस। तो एंटरटेनमेंट के लिए मैं क्या देखने वाली हूँ, मैं देख रही हूँ मॉन्क। इतना मज़ेदार नहीं है बट मॉन्क जो प्ले कर रहा है गाय जिसका नाम मॉन्क है वो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने मिसेस मेजल देखी थी, द मार्वलस मिसेस मेजल, वो बहुत अच्छी लगी मुझे मैन। और इसमें मॉन्क ने उसके डैड का रोल प्ले किया था और मुझे वो बहुत मज़ेदार लगा था रोल, इसीलिए मॉन्क देख रही हूँ मैं क्योंकि वो बंदा मुझे अच्छा लगता है। कई बार होता है ना कि जो बंदा आपको अच्छा लगे उसकी वजह से आपको फिर उसकी बाकी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। सो यस, मॉन्क देखेंगे हम। सो हमारा सिलाई का काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम नीडल का काम कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय जाएगा। मुझे अगर आप टिकटॉक पे फॉलो करते हो तो आपने मुझे लाइव में देखा होगा कि ये नीडल का काम करते समय मुझे कितना ज़्यादा समय लग गया था। ऑलराइट, अब बारी आती है कुछ ड्रॉ करने की क्योंकि ये पेंट फ्री हैंड करने वाली हूँ मैं, तो मैं कोई ऐसे पैटर्न के साथ नहीं जाऊँगी, बस रफली ड्रॉ कर लूँगी कहाँ कहाँ मुझे फ्लावर्स चाहिए, कहाँ कहाँ मुझे लीफ चाहिए, उसी के हिसाब से हम पेंट करेंगे। सो जल्दी से फ्री हैंड ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें कैसा स्टाइल चाहिए। I
can't seem to look away from screens, and the feelings just ain't ever traditioning. So long, so long. अब मैं रंगों को मिक्स करने वाली हूँ और मेरा फेवरेट रंग ढूंढने वाली हूँ जो मुझे करना है. Girl, you give me feelings in the summertime. Something about the weather in July. But and अब हम शुरुआत करेंगे पेंटिंग के साथ. There's a little ember in my heart that flickers. Nothing seems to cultivate the flame. Sorry, but that's where it's gotta stay. Don't wait for me, ay, ay. Don't wait for me, ay, ay. I wouldn't catch you if you fell. I can't even catch myself. Don't wait for me, ay, ay, ay. You're the kind of lady that can make my head spin. I don't gotta take another drink. Sitting back enjoying that tan complexion. Wonder what your parents think. There's a little look that you and all your friends give. Everybody's got the same tattoos. Whispered in my ear, you wanna be my lover. Problem is there's 20 more of you. Don't wait for me. ऑल राइट खूबसूरत दोस्तों, खाने का समय आ चुका है और मैं सिर्फ एक ही रोटी खाने वाली हूँ आज, क्योंकि आज मैं डिनर खाना चाहती हूँ. अगर मैं दो रोटी खा लूँ इस समय, अराउंड 1:30 बज चुका है अब, तो फिर हम डिनर नहीं करते हैं. सो कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा कम खाती हूँ मैं, और मैं दाल नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि ये जो सब्ज़ी है मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती. सो मैं ये वाली मका दूँगी, दाल हस्बैंड मका देंगे. क्या आप लोग ये न्यूट्री के ग्रैनुल्स की सब्जी बनाते हैं या फिर जी जो भी मटर डाल के अगर बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं. मुझे बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है और कितनी पौष्टिक भी है और क्विकली बन जाती है. मैंने इसे क्यों बनाया? सो दाल मैंने थोड़ी सी उबाल ली क्योंकि मैंने चाहती थी कि लेफ्ट ओवर बचे, इसीलिए एक ही कटोरी बची है. एंड देन तड़का ज़्यादा कर लिया मैंने. सो बिकॉज तड़का बहुत ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि उसमें ये मटर डाल के इसको थोड़ा सा बॉइल करके ऐड कर देती हूँ ताकि तड़का उसमें ओवर तड़का नहीं हो जाए और एक और चीज़ बन जाए, क्योंकि दाल के साथ कोई सब्जी होना बहुत ज़रूरी है. जब आप खाना खाते हैं ना, हर एक बाइट को मज़े से खाएं, इंजॉय करके, तो आप देखेंगे कि कम फूड खा के भी आपको कितनी संतुष्टि मिलती है. अगर जबड़ करके खा लो, पता भी नहीं चलता कितना ज़्यादा खा लिया आपने. पेट भी ओवर हो जाता है, नींद भी बहुत आती है. सो पिद्दी पिद्दी बाइट लें, बुर्की बनाएं, क्यूटी पाई सी खाएं, मज़ा लेके खाएं और समय लें चबाने में, क्योंकि जितना ज़्यादा समय चबाने में लेंगे उतना ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, उतना ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कम मेहनत करनी पड़ेगी डाइजेस्ट करने. पेंटिंग मेरी जारी, एक ही फ्लावर हुआ है अभी. ओके दोस्तों, मैं खाना खाने के बाद आपको मिलती हूँ किसी अगली चीज़ के साथ. ओके met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's enough. Better late than never, I see us spending days together. Sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need. बोर हो चुकी हूँ मैं इसको करते करते, तो मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए. तो मैं देखने वाली हूँ कोई शिट्स क्रीक अमेजोन पे. मैंने सुना कि बहुत अच्छी है. एक्चुअली मैंने देखना शुरू भी कर लिया है, सीजन 1 के 11 एपिसोड पे हूँ. सो या अब हम लीव्स को करेंगे. Yeah.
ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने कलर कर लिया है सारी चीज़ों को। शायद मैं और चीज़ें ऐड करूँगी, लाइक छोटे छोटे पत्ते और ऐड करूँगी, या फिर कोई कुछ ना कुछ तो और इसमें पिद्दी पिद्दी ऐड करूँगी मैं। पर इतना समा बैठ के मेरी गर्दन में पेन हो गई है और मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। और दूसरी बात है कि इसमें मैं कलर ऐड करना चाहती हूँ, लाइक ग्लिटर्स ऐड करना चाहती हूँ। पहले मैं ग्लिटर्स नहीं ऐड करने वाली थी, पर मुझे लगा है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेस्टल लग रहा है, तो ग्लिटर्स ऐड कर लूँ। ओके, क्या मैं मेरे इस सूट को इस रंग का करना चाहती थी? नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हॉट पिंक करना चाहती थी, पर जो मेरे पास रेड है उसने वो वाला पिंक नहीं बनाया जो मुझे चाहिए था। सो इस वजह से पहले तो मैं सोच रही थी कि जब मैंने एक ही फ्लावर किया उसको मैं जाके वो वाला पिंक ले आऊँ, पर मैंने देन सोचा कि यार पेस्टल इज़ गुड, आई एम हैप्पी, इट्स ओके। सो जो मेरे पास ग्रीन है उसे भी मैंने बहुत कोशिश की लाइक वाइब्रेंट सा ग्रीन बनाने की, वो भी नहीं बना, तो वो भी पेस्टल हो गया। पर मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के साथ ये अच्छा कंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इस एरिया के बिना मैं कहीं और पेंट नहीं करने वाली हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि आर्म्स पे कर लूँ, बट नो, इसे करेंगे और दुपट्टे को हम अच्छा हैवी बना लेंगे। पर मैं आज दुपट्टा नहीं करने वाली हूँ, आज मैं इसी को फिनिश करूँगी, होपफुली अगर हो पाएगा। हम हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों तैयार होने के लिए अब रह गए हैं। अब मैं जा रही हूँ माइकल्स, पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं माइकल्स जाऊँगी, माइकल्स जाके लेके आती हूँ उसको सजाने की चीज़ें। सो यस, होपफुली एंड प्रोडक्ट बहुत प्यारा लगेगा, मुझे लगता है, जज आप करेंगे। एंड यस, आई एम वेरी स्लीपी एंड टायर्ड राइट नाउ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ और उसी के बाद हम देखेंगे कि और क्या करना है। मैंने सामान को फ़िलहाल के लिए समेट दिया है, बहुत समय के बाद इसका दिन आया करने का, पर मैंने सोचा नहीं कि मुझे पिंकी पिंक कलर लाना चाहिए था। मैंने कोशिश तो की अलग अलग कलर मिक्स करके बनाने की, पर नहीं बने, पर आई थिंक ये अच्छा ही लगेगा एंड पे। सो या, इसे ड्राई होने देते हैं, उसके बाद डंडी वंडी को कलर करेंगे एंड फिलहाल के लिए ब्रेक ले लेते हैं। Lately life's been a fleeting breeze, long vacation. Okay, दोस्तों, तो मैंने इसको आज के लिए फिनिश कर लिया है, बाकी चीज़ें मैं कल करूँगी। ग्रीन कलर बनाया था मैंने, और अगर मैं इसे आज ही यूज़ नहीं करती तो फिर इस ड्राई हो जाता, और कल जब मैं बनाऊँगी तो डिफरेंट तरीके से बनेगा, डिटो सेम नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने इसे 5-7 कलर मिक्स करके बनाया है। अगर मैं सिर्फ येलो एंड रेड को करके बनाती तो शायद अलग से होता। अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, कल मिलूंगी मैं आपको। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सो आज है अगला दिन एंड सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी आज के दिन की शॉपिंग के साथ, क्योंकि मुझे मेरे ये प्रोजेक्ट को फिनिश करना है, तो उसके लिए मुझे कोई आइटम्स चाहिए। हम कल गए थे शॉपिंग करने के लिए, पर समय से पहले हम हमारी वन शॉपिंग डन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अदर स्टोर्स बंद हो गए। सो आज के दिन की शुरुआत सामान इकट्ठा करने से होगी, मुझे कुछ ही प्रोडक्ट चाहिए इसको फिनिश करने के लिए। सो जल्दी से जाते हैं एंड अपने लिए सामान लेके आते हैं, लेट्स गो। एंड माय बॉय, कुड आई हैव पैनकेक्स प्लीज? आस्क हिम डैडी, ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਕੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। Girl, you give me feelings in the summertime, something about the weather in July, but I'm about as fickle as the sands of time, so I don't wanna call you mine. There's a little ember in my heart. Guys, ठंड। Okay, हस्बैंड ने कहा कि नहीं ज़्यादा ठंड नहीं है, पर मुझे लग रही है। पहले अपने बैग को बेल्ट डाल देते हैं। टोपी वाला नहीं गाइस, वैसे मैं टोपी पहनना नहीं चाहती, यू नो व्हाई, क्योंकि कि मेरे बाल बिल्कुल साफ है और अगर इस तेल लगा हो जाते, पर ठंड से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं तैयार हूँ जाने के लिए और मुझे ठंड लग रही है, मुझे गाड़ी ऑन करके अंदर चले जाना चाहिए था। -3 है अभी, हस्बैंड ने कहा कि अन्नी कोई ठंड नहीं है, चुप करके चल रहा, पर मुझे ठंड लग रही है। अब मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, अदरवाइज ना बहुत टाइम हो लगेगा गड्डी को गर्म होने के लिए। वैसे सन में जाके थोड़ा बैटर लगना शुरू हो जाएगा, उतनी ये भी बड़ी ठंड है। ओ गॉड, अगर मेरी ऑक्स काम करेगी, आई डोंट नो यार क्यों मुझे ऑक्स मिलती नहीं है वॉलमार्ट से। आई रियली नीड नाइस ऑक्स, क्योंकि मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है जब मैं गाड़ी चलाऊँ, अदरवाइज तो मेरा चलता है, हड्डी कोई गल नहीं। ओ चल पिया, ये ओके, सो माइकल्स जा रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि खुला है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई हूँ, इस समय लोग शॉपिंग करने के लिए आते नहीं हैं। सो कोई
ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਪਰਛਾਈ ਲੈਟਸ ਗੋ ਸਟੋਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸੋ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਲੀ ਨੋਰਮਲ ਕਲਰਸ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਲੁੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਨ सो यहाँ पे ये सारे फैब्रिक के कलर्स हैं एंड यहाँ पे मार्कर्स भी हैं एक्चुअली इफ यू नीड मार्कर्स ये बहुत ही मस्त आर्ट एंड सप्लाई स्टोर है अगर आपको आर्ट अच्छी लगती है ना तो आपका बहुत मज़ा आएगा इस स्टोर में सो मैंने लिए हैं मेरे लिए कुछ कलर्स जो मेरे पास नहीं थे वाइब्रेंट ग्रीन एंड वाइब्रेंट पिंकिश रेड एंड कुछ ग्लिटर्स भी लिए हैं मैंने और एक्चुअली जैसे ट्यूब मैं ग्लिटर्स की देख रही थी वो यहाँ पे नहीं है और वैसे ज़्यादातर ग्लिटर शेड्स फिनिश हैं क्योंकि मुझे लगता है गर्ल्स को ग्लिटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं सो यह जो मिला है मुझे लगता है इसी से हम वर्क करेंगे यहाँ पे प्लेन टी शर्ट्स भी हैं एक्चुअली हिम्मत कह रहा था कि मेरी टी शर्ट पेंट करो तो उसके लिए एक टी शर्ट ले लें एंड अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ लेट्स गो ओके आई हैव टू गो दिस वे तो मैंने एक बहुत सारा बड़ा डब्बा ले लिया है मेरी सिलाई का सारा सामान रखने के लिए एक्चुअली मैं छोटा लेने वाली थी फिर मुझे लगा कि $5 एक्स्ट्रा पाओ तो वड्डा मिल जाएगा सो या इस पे कितने सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स भी हैं दोस्तों आज के इस शॉपिंग स्प्री से हम लोग डन हैं हुण असीं घर चले हैं डेफिनेटली घर चले हैं और समय हुआ है कितना समय हुआ है गाइस गैस करें ओके 12 बज चुके हैं एंड घर जाके कुछ खाने हैं फिर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दें लेट्स गो ऑलराइट सो समय आ गया फिनिशिंग करने का अब मैं इसकी आउटलाइंस करूंगी ब्लैक एंड वाइट के साथ एंड मैं जो मार्कर्स लेके आई हूँ दीज वंस इतना मज़ेदार काम नहीं कर रहे वो बहुत ज़्यादा बारीक ब्रश लेके बहुत प्यार से हम आउटलाइंस शुरू करेंगे ऊपर से शुरू करते हैं सो मैंने वाइट एंड ब्लैक दोनों ले लिए हैं आउटलाइंस करने के लिए पर वाइट की लाइक वाइब्रेंट नहीं है वाइट मुझे लगा था ब्लैक भी वैसे होगा पर ब्लैक थोड़ा वाइब्रेंट है पर वाइट ना उतनी ओपेक नहीं है और मज़ेदार फिनिश नहीं दे रहा है वो और अब नहीं मैं जा सकती हूँ वाइट को लेने के लिए दोबारा ऐसे वाइट को सो इससे कुछ डील करते हैं एंड जो मैं ग्लिटर मार्कर लेके आई हूँ वो भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है सो मैं एक्चुअली लिक्विड फैब्रिक ग्लिटर भी लेके आई हूँ तो मुझे लगता है इसे मैं ब्रश के साथ लगाऊंगी सो या कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं कि हमारा फिनिश प्रोडक्ट कैसे होता है Looking at a face I don't recognize today myself Don't know what to say, things ain't the same I felt That we lost our way, the street is two ways and girl And everybody keeping to themselves I know you're sorry, you dragged me through hell This was real Can you tell me what you felt? Cause it feels like it's over now There's just too much pressure There's just too much pressure There's just too much pressure ओके सो आई थिंक आई एम डन विद पेंटिंग आज मैं पिंक शेड भी लेके आई हूँ जिस कलर के मैं फ्लावर्स चाहती थी तो मैंने फ्लावर्स में थोड़ा थोड़ा इसकी शेड दे दी है तो कल से डिफरेंट हो गया है कलर आज पर फिर भी वो कलर नहीं हुआ है जो मुझे चाहिए था अब मुझे याद आया है कि जो मैं कलर चाहती थी वो रेड से नहीं बनता वो मजेंटा से बनता वैसा पिंक इंटेंस तो मेरा सर बुरी तरह दुख रहा है ब्रेक लेने जा रही हूँ मैं कितनी बार ब्रेक लेने के लिए गई हूँ और फिर से मैं वापस आके बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ होने लगता है कि फिनिश करूँ सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मे बी शाम को करूंगी मैं और इस जगह पे बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं है मुझे रोशनी में बैठना चाहिए था पर वेट को लेके मैं जाना नहीं चाहती थी उसको ड्राई होने देते हैं और आते हैं थोड़ी देर बाद सो फार अच्छा लग रहा है
सो दुपट्टे का करने के लिए मैं इसको इसके ऊपर रख के थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि फ्री हैंड है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। रफली हम ड्रॉ कर लेंगे। That I would never leave you, 'cause I feel free. Yeah, all I feel is free. I feel free. Feeling I see you breathing when you hear me singing, and your dreams come true tonight. कलर की पिगमेंटेशन इस पर डिफरेंट लग रही है, उस पर डिफरेंट लग रही है। मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है कि ये दोनों एकदम सेम नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो ऑर्गेन्जा का कपड़ा है ना, ये बेचारा कलर नहीं पकड़ रहा, और मुझे फ्लावर्स को इतना कलर करने के लिए 3-4 बार कोटिंग करनी पड़ी है। So, दुपट्टे को पेंट करना बिल्कुल आसान नहीं था, अब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि कलर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आई विश कि मेरे पास वो बड़ा सा फ्रेम होता जिससे ये जो दुपट्टा है सरफेस को टच नहीं करता, क्योंकि जैसे मैं पेंट कर रही हूँ सारा पेंट सरफेस पे चिपक रहा है। सो वो होता तो काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद हो जाती। Tell me what you felt, 'cause it feels like it's over now. There's just too much pressure. There's just too much pressure. There's just too much pressure. There's just too much. Girl, I never thought that this would hit me so quick and hard. I never thought I'd flip, I never thought I'd miss your heart. But this turned to shit that we can't fix, and girl, yeah. And everybody keeping to themselves, I know you're sorry, you dragged me through hell. If this was real, can you tell me what you felt? सो फाइनली हम लोग डन हैं हमारे फैब्रिक पेंट से, और ये है क्लोज़अप। मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, और दुपट्टा मुझे लगता है कि सूट से ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हैंडमेड नहीं है, आपने मशीन से बनाया है। काफ़ी ज़्यादा नाइस क्लीन एंड बारीकी से हुआ है ये, मुझे काफ़ी प्यारा लगा। बाकी जज आप हैं, आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा। हेलो एवरीबॉडी, सो आज हम शूट करने वाले हैं आपको इस आउटफिट की वीडियोस। आज ठंड है पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर पाऊँ। कोटी तो लेके आई हूँ मैं, पर इधर उधर जाके मैं मेरे आउटफिट को दिखाऊंगी। आई होप आपको ये आउटफिट अच्छा लगने वाला है। सो यस, लेट्स डू दैट। समय आ गया है आउटफिट आपको दिखाने का, दिखाएं। मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तेनू मिल जाना किस दा सहारा, वे तू मैनू छड़ जाना,
ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸੋਣੀਏ ਐ ਮੇਰੀ ਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ये वीडियो एंड होती है। आई होप आपको ये मेरा आउटफिट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलूँगी आपको जल्दी ही नए व्लॉग में, तब के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, confident and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. और एक बहुत ही ज़रूरी सूचना वो ये है कि अगर आप टोरंटो GTA के अराउंड रहते हैं तो और घर लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या घर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वारी है तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड को कॉन्टैक्ट करें। वो फुल टाइम एज अ रियलिटर सर्विस देते हैं। उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, ई मेल भी कर सकते हैं। सो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन। सो वो आपको आपके सपनों का घर दिलाने में मदद करेंगे या आपके घर का अच्छा प्राइस दिलाने में। सो या ये थी जरूरी सोचना। चंगा जी, सत श्री अकाल, बाय।